गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल है, काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 360 के करीब पहुंच गया भारत, भारत ने घेराबंदी स्टार्ट कर दी। मतलब 360 की पॉइंट है क्या है, उसके करीब भारत पहुंच गए। और अब मेरे ख्याल में चाइना की किसकी, मतलब थंबनेल में तो घेराबंदी, हाँ। मतलब घेराबंदी बना हुआ है, शी जिनपिंग बना हुआ है, तो मतलब चाइना की शायद घेराबंदी भारत ने स्टार्ट कर दी है। किस मामले में ये तो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से आइडिया होगा। जल्दी से देखते हैं भाई क्या सीन है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट दोस्तों, भारत के एक दमदार फैसले ने चाइना की नींदें उड़ा दी है। वह चाइना जो अपने एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दावे करता है कि कोई भी देश उससे जीत नहीं सकता, वही चाइना अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत से बचाने के लिए तिलमिला रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तिब्बती एरिया के बहुत ही ज्यादा ऊंचे होने के कारण चाइना के जेट्स वहां पर उड़ान नहीं भर सकते, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है, जिसकी वजह से चाइना के सभी विमान वहां तक उड़ नहीं पाते। यही कारण है कि फ्लाइट रडार से देखने के बाद तिब्बत के ऊपर चाइना का विमान बहुत ही कम संख्या में दिखाई देते हैं। यानी कि चाइना युद्ध के समय अपने लॉजिस्टिक को तिब्बत तक आसानी से नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि चाइना हर वक्त विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की फिराक में रहा है। उसने हमेशा से ही अपने आसपास के मुल्क पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है, और यही वो भारत के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की नेवल वॉरशिप सतपुरा चाइना सी के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है भारत के द्वारा, जिसकी खबर 7 जून को सामने आई थी, क्योंकि इन वॉरशिप को फिलीपींस भेजा गया था ताकि फिलीपींस इसकी गुणवत्ता की जांच कर सके। गौरतलब है कि भारत और फिलीपींस के बीच पहले ही ब्रह्मोस डील साइन हो चुकी है। आपको बता दें कि चाइना और फिलीपींस से जुड़ी एक ऐसी चौंका देने वाली खबर जिसने चाइना के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने 12 फ्रिगेट्स वियतनाम को देने का फैसला लिया है। ये हम सभी जानते हैं कि चाइना और वियतनाम में हमेशा से ही दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चलता रहा है। इसके अलावा लद्दाख और अरुणाचल को लेकर चाइना का भारत के साथ भी संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में वियतनाम को भारत द्वारा 12 फ्रिगेट्स देना चाइना के लिए काफी बुरी खबर साबित हो सकती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां वियतनाम के पास 12 फ्रिगेट्स है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पास भी ब्रह्मोस जैसी महाशक्ति है जो किसी भी दुश्मन देश को आसानी से मिट्टी में मिला सकती है। दरअसल 2016 में एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस को बेचने की बात कही थी। हालांकि 2020 में किसी भी साउथ ईस्ट एशिया कंपनी द्वारा ब्रह्मोस को खरीदने की बात सामने न आने की वजह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कई प्रकार के सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब यदि चाइना के आसपास वाला कोई भी देश ब्रह्मोस को खरीदता है तो यह सौदा चाइना के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। फिलीपींस भारत से पहले ही ब्रह्मोस को खरीद चुका है, तो वहीं वियतनाम भी भारत से कई हथियारों को लेकर बातचीत कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पीछे आखिर भारत का मकसद क्या था और क्यों चाइना इससे बौखलाया है। दरअसल फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया का वह क्षेत्र जो चाइना के आसपास का है, बेहद ही रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है। और भारत ने इन क्षेत्रों को 2016 एक्ट के अंतर्गत सस्ते हथियार बेचने की योजना बनाई थी, क्योंकि भारत को पता है कि वह छोटे छोटे देश एक साथ मिलकर चाइना के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस इतना ताकतवर है कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से घुसकर उसे तबाह कर सकता है और पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। गौरतलब है कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर इतना महंगा होता है कि वो किसी भी छोटे और कमजोर देश के नेवी और आर्मी का खर्च उठाने के बराबर होता है। दरअसल कुछ ही दिन पहले ब्रह्मोस के ऊपर कई प्रकार के नए परीक्षण किए गए थे, जिसमें ब्रह्मोस के लिए कई नए फैक्ट सामने आए थे। इस टेस्ट के जरिए पता चला कि ब्रह्मोस किसी भी शिप में छेद करके बिना वॉरहेड के ही अंदर जा सकती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर आर्मामेंट भेज सकता है। हालांकि ब्रह्मोस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका हल वियतनाम के लिए काम कर रही L&T कंपनी ने निकाल दिखाया। ये वही L&T कंपनी है जो वियतनाम के लिए हाई स्पीड बोट्स का भी निर्माण कर रही थी। दरअसल ब्रह्मोस एक ऐसी हाईटेक क्रूज मिसाइल थी जो किसी भी शिप पर आसानी से नहीं उतारी जा सकती थी, जिसका निवारण के लिए L&T कंपनी ने ब्रह्मोस के लिए एक ऐसा एडवांस लॉन्चर बनाया जिससे ब्रह्मोस किसी भी शिप पर आसानी से फिट हो सकती है। इतना ही नहीं, L&T कंपनी ने ब्रह्मोस में एक और मॉडिफिकेशन किया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस पहले सीधा जाकर फिर अपने दाएं या बाएं वॉर करती थी, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद ब्रह्मोस डायरेक्टली दाएं या बाएं जाकर वॉर करने में सक्षम हो गई है। यानी कि ब्रह्मोस को अब वॉर करने के लिए पहले सीधे के रास्ते को चुनना जरूरी नहीं है। दोस्तों भारत ने अपनी 360 डिग्री अप्रोच स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से सीमा पर गतिविधियां चीन द्वारा तेज हो गई है। फिलीपींस के बाद वियतनाम को भारत ने अपने साथ पूरी तरह से कर लिया है, यहां तक कि डिफेंस
डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है उसके साथ, जो कि वियतनाम ने अपने इतिहास में किसी भी देश के साथ साइन नहीं किया था। भारत अब चारों तरफ से चीन को घेरना शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर भारत की तैयारियों से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार ये वही बात हुई कि मतलब 360 से वो घेरना चाह रहा था भारत को चाइना, लेकिन 360 टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल की है, मतलब किसी टाइम मतलब और भाई मतलब एक तरह से वो मतलब हर जगह से वो घेरना चाहता था ना, मतलब हर सिम से मतलब चाइना हर सिम से घेरना चाहता था इंडिया को, लेकिन इंडिया ने वियतनाम और फिलिपीन के जरिए भी उसको घेरना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको घेरना स्टार्ट कर दिया। जापान ऑलरेडी उसके खिलाफ है, फ्रिगेट्स दे रहा है 10-12 फ्रिगेट्स दे रहा है वियतनाम को, फिलिपीन को सब कुछ दे रहा है, और मतलब बहुत सारा मिलकर काम कर रहे हैं उसके बारे में, और अपनी डिस्ट्रॉयर शिप भी उतार दी है एक। और इस मामले में अगर देखा जाए और ब्रह्मोस की वो बता रहे हैं कि वो उसके अंदर बेशक कोई जो है ना वेपन वगैरह मतलब क्या कहते हैं पेलोड जो भी होता है जो वो न्यूक्लियर हो या न्यूक्लियर हो जो भी हो वो नहीं लगते, उसके बगैर भी जाकर सुराख कर सकती है मतलब उसके अगर अंदर उसके वारंट ना भी लगे हो तब भी भाई मतलब वो सुराख कर सकती है। 15-20 इकट्ठे ब्रह्मोस भेज दिए ना, मतलब उसके एयरक्राफ्ट कैरियर की मारी जाएगी, मतलब उसकी तो भाई बाकी बहुत इजी है। ब्रह्मोस इंडिया के पास आया तो एयरक्राफ्ट का मतलब तोड़ की जरूरत नहीं है, और वाकई में यार बहुत कमाल का स्टेप इंडिया ने। चाइना तो अभी तो डरता है अपना एयरक्राफ्ट चाइना के साथ, चाइना अभी इसलिए रो रहा है थोड़ा सा ना कि क्योंकि हर तरफ से वो घिरता जा रहा है दिन-ब-दिन, ये बात है। और जो जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है इंडिया ने वो बहुत कमाल की है, मतलब इंडिया ने कहा है कि पहले लड़ो नहीं, पहले उसके खिलाफ छोटे छोटे देश जो उसके खिलाफ साथ मिलाओ, बिल्कुल उनको साथ मिलाओ और फिर अगर हुआ अटैक की बारी आई तो फिर करेंगे। बिल्कुल गाइस आपका इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहना है, मतलब इंडिया की आप स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो यार काफी कमाल लगती है, वो कहते हैं ना चाइना इंडिया के लिए मतलब कुआं खोद रहा था और खुद गिर गया, सेम सिचुएशन उसके साथ हो गई। चाइना इधर बांग्लादेश श्रीलंका इनको मिलाना चाह रहा था और वो खुद इंडिया उसके दुश्मनों को अपने साथ मिला गया, और बांग्लादेश और श्रीलंका वो इंडिया के सारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल मतलब देखो भाई कैसी सिचुएशन होगी। गाइस आपका इस चाइना की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।